बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप जी, अगर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम प्रधानमंत्री ओली के जो स्टेटमेंट है उनकी की बात कर लेते हैं। नेपाल पहले कहता था रिजॉल्व करें और फिर आगे बढ़े डायलॉग के थ्रू। अब जो स्टेटमेंट आपने सुना प्रधानमंत्री ओली की तरफ से, उन्होंने कहा डायलॉग करते हैं ताकि नेपाल अपनी जमीन वापस ले सके, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंड है वो पहले चोटी नेपाल को विदेश मंत्री प्रदीप केवाली भारत मीडिया में अंदर वार्ता काला पानी लिबुले लिबिया दुरा नेपाल को हो भनेर यो अन्तर्वार्ताबाट प्रष्ट पारेको छ। भारतले जानी जानी नेपाल को सीमा अतिक्रमण गरेर गरी तिब्बत को चिन्तिर लानु धेरै ठूलो नोक्सान हो भन्ने प्रधानमंत्री ओली की तरफ से, उन्होंने कहा डायलॉग करते हैं ताकि नेपाल अपनी जमीन वापस ले सके, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंड है वो बहुत सख्त हो गया। नहीं, हम तो केवल इतिहास की और तथ्य की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि सुगोली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भाग नेपाल के, और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। सभी प्रमाण यही कहते हैं कि वो विवाद अकाट्य रूप से नेपाल के हैं। इतिहास में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं जिसके कारण कभी कभार बाउंड्री का फॉल्स चेंजेज होता है। मैं कहता हूँ ये फॉल्स चेंज था। लेट अस रेस्पेक्ट हिस्ट्री, लेट अस रेस्पेक्ट एविडेंसेज, लेट अस रेस्पेक्ट फैक्ट, देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। नेपाल तो ये जो संशोधन है ये परमानेंट है क्या? ये संशोधन परमानेंट है कि आप लोग अगर वापस बातचीत के टेबल पे भी आते हैं तो फिर वापस जाके चेंजेस नहीं हो सकता मैम? संविधान किसी भी मुल्क का मूल कानून है और उसको उसका सोवरेनिटी का पता होना चाहिए, उसका भूगोल का पता होना चाहिए, उसका राष्ट्र उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पता होना चाहिए। हमने वही किए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो संशोधन है इससे हमारे बातचीत में उतने के डायलॉग में कुछ प्रॉब्लम आएगा या उसके रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा। फिर क्या ये अंदरूनी प्रेशर की वजह से है या फिर चीन का हाथ है जो बहुत लोग कह रहे हैं? क्या वजह है जो हम देख रहे हैं कि नेपाल इतना सख्त रुख करे हुआ है और इतने तेजी से इतने तेज रफ्तार से अपने नक्शा को बदला है नेपाल? गीता जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि कई भारतीय मित्रों जो बार बार जब नेपाल कोई डिसीजन लेता है तो जब उसमें कुछ विदेशी लोगों के विदेशी राष्ट्रों के हाथ देखते हैं वो चश्मा को बदलें, वो लेंस को बदलें और ये तथ्य को याद रखें कि दक्षिण एशिया में नेपाल केवल नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का उपनिवेश नहीं हुआ। इसलिए माइंडसेट कि नेपाल अपनी तरफ से बोल नहीं सकता, अपनी तरफ से डिसीजन ले नहीं सकता, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, इसको बदलना चाहिए। ये तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है तो नेपाल का हाथ है, नेपाली जनताओं के हाथ है, 3 करोड़ नेपाली जनता का हाथ है जो सरकार के साथ में एक होकर खड़े हुए हैं। पीछे के नेपाल ने सरकार ने जो कदम शुरू किया है वो बहुत सही है। आप देख रही है कि पार्लियामेंट में सभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सब एक है। तो ये फैक्ट को जिस दिन
हमारे भारतीय मित्रों सम्मान करेंगे और इसको नेपाल का एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन डिसीजन के रूप में रेस्पेक्ट करेंगे तो समस्या समाधान होगा। अगर आखिरी दो सवाल, कहीं ना कहीं नेपाल को भी बुरा लगा है कुछ स्टेटमेंट्स जो भारत से आए हैं। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जब कंपेयर किया नेपाल को तिब्बत के साथ कि चीन वही हाल करेगा नेपाल का जो तिब्बत के साथ किया था, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लग गया। कंडेमनेशन प्राइम मिनिस्टर ओली के तरफ से भी आया, लेकिन क्या ऐसे जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडरशिप कर देता है वो नुकसान पहुंचा रहा है भारत नेपाल के रिश्तों पर और रिश्तों को? ये तो भारतीय मित्रों को भारत के लीडरशिप को विश्लेषण करना होगा, हमारी कोई कमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि ये कमेंट करने के लायक ही नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एज अ सॉवरेन नेशन नेपाल अपना खुद स्वतंत्र निर्णय लेगा, नेपाल के राष्ट्रीय हित में लेगा, और नेपाल के राष्ट्रीय हित के बारे में बोलना, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना किसी देश के विरोध नहीं होती। जब हम नेपाल के हित की बात करते हैं वो भारत के विरोध नहीं है। इस तथ्य को जिस हमारे भारतीय मित्रों को समझ आएगा, मुझे लगता है समस्या को समाधान करने के लिए वो एक नया अविष्टा उपन करेगा। आखिरी सवाल, कोई फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग के आपने डेट्स प्रपोज किए हैं भारत को, ऐसा कोई प्रपोजल है या आपके आपके दिमाग में ऐसा कोई टाइम फ्रेम है जब भारत और नेपाल को बैठ के बात करना चाहिए? समस्या को जितने जल्दी समाधान किया जाए उतने ही हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको भविष्य की ओर देखना है। ये तो इतिहास की एक अनसुलझी हुई, इतिहास की एक विरासत है जो नेपाल के विपक्ष में हुआ था। नेपाल इसमें उस नेपाल को अन्याय हुआ था, हम उसको अंड्यू करना चाहते हैं और एक इक्वल फुटिंग में जस्टिस के आधार पे समृद्ध दक्षिण एशिया, समृद्ध नेपाल भारत के नई ऊंचाई के संबंध के बारे में फोकस करना चाहेंगे हम। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके बैठक आरंभ करना होगा, बातचीत करना होगा और समस्या को खुले दिल से, किसी भी आग्रह पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और तथ्य में आधारित होकर समाधान करना होगा। लेकिन नक्शा जो है वो परमानेंट है, जो नक्शा अभी नेपाल ने अपना जारी किया है वो परमानेंट है, वो नहीं बदल सकता। नक्शा तो परमानेंट होती है, ये तो नेपाल की बात है, नेपाल और तो भारत की कूटनीतिक बातचीत के लिए ये कहीं समस्या खड़ा नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल के काला पानी और लिपु लेक भारत ने बार बार अपने नक्शा में शामिल किया हुआ था, फिर भी हम तो हर वक्त बाधा के लिए तत्पर थे। तो ये नक्शा से क्या काला पानी और सुस्ता के बीच में पाना बना ना, वो ये लेट्स सिट फर्स्ट एंड टेबल, ये विकल्प के बारे में बातचीत किए जा सकते हैं, सबसे पहले तो बातचीत करना होगा ना। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल आखिरी सवाल, कोरोना वायरस को लेके प्रधानमंत्री ओली ने फिर से कहा कि नेपाल, भारत से सबसे ज्यादा केसेस नेपाल जा रहे हैं, 80% से ज्यादा जो केसेस है वो भारत की वजह से है, इसके बारे में क्या कहा? भारत की वजह से उन्होंने नहीं कहा, कृपया तथ्य को और उनके अभिव्यक्ति को चिट्ठी ढंग से याद किया जाए। जब हमने मार्च 24-25 में नेशनल वाइड लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हमने जब सील किए, उसके बाद करीब करीब 240,000 से ज्यादा नेपाली लोग जो भारत में काम करते थे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए नेपाल में वापस आए हैं, वो नेपाली नागरिक है, वो आ सकते हैं, लेकिन हमारे यही कहना था कि पहले तो एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिस देश के नागरिक जिस देश में हो, ये तो एक ग्लोबल पैंडेमिक है और सभी देश को मिलकर इसको समाधान करना होगा। जो भारतीय नागरिक नेपाल में काम करते हैं उनका प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी नेपाल सरकार ही है, वो कर रही है नेपाल सरकार, हम भारत से यही अपेक्षा करते हैं। फिर भी जब भारत में रेल सेवा शुरू हुआ
तो उसको उसके प्रयोग करते हुए नेपाली लोग नेपाल के भाइयों और बहनों उनको नेपाल आए और अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट टेस्टेड, उनका कोई वहाँ पे COVID-19 का टेस्ट नहीं हुआ था और जब वो आए तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। प्रधानमंत्री ने इसी फैक्ट को कहा है, इसमें किसी का दोष आरोपण का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो रियलिटी है ना, वो रियलिटी को हमने कहा है। प्रदीप जी आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप यावाली, ये पहला इंटरव्यू है एक भारतीय चैनल के लिए, आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप जी अगर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम प्रधानमंत्री ओली के जो स्टेटमेंट है उन्हीं की बात कर लेते हैं। नेपाल पहले कहता था रिजॉल्व करे और फिर आगे बढ़े डायलॉग के थ्रू, अब जो स्टेटमेंट हमने सुना प्रधानमंत्री ओली की तरफ से, उन्होंने कहा डायलॉग करते हैं ताकि नेपाल अपनी जमीन वापस ले सके, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंड है वो बहुत सख्त हो गया है। नहीं, हम तो केवल इतिहास की और तथ्य की बात कर रहे हैं। मैंने कह चुका हूँ कि सुगोली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कर लेते थे। 59 था और नेशनल सेंसस भी हुआ था। सभी प्रमाण यही कहते हैं कि वो भूभाग अकाट्य रूप से नेपाल के हैं। इतिहास में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं जिसके कारण कभी कभार बाउंड्री का फॉल्स चेंजेस होता है। मैं कहता हूँ ये फॉल्स चेंज था। लेट अस रेस्पेक्ट हिस्ट्री, लेट अस रेस्पेक्ट एविडेंसेस, लेट अस रेस्पेक्ट फैक्ट, देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। तो ये जो संशोधन है ये परमानेंट है क्या? ये संशोधन परमानेंट है कि आप लोग अगर वापस बातचीत के टेबल पे भी आते हैं तो फिर वापस जाके चेंजेस नहीं हो सकता? मैम, संविधान किसी भी मुल्क का मूल कानून है और उसको उसका सोवरेनिटी का पता होना चाहिए, उसका भूगोल का पता होना चाहिए, उसका राष्ट्र उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पता होना चाहिए। हमने वही किए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो संशोधन है इससे हमारे बातचीत में कूटनीतिक डायलॉग में कुछ प्रॉब्लम आएगा या उसके रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा।